आप लोग कल पढ़ रहे थे आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो हमने आपको बताया था कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशन की प्रक्रिया में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है और इसको हम प्रारंभ में कोई आवेश प्रदान करें तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि और आवेश और धनावेश इस पर लेकर आए तो इस चालक और उस धनावेश के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको डिफाइन कर चुके थे, अब यहाँ पर फार्मूला निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने कल कर लिया था, ठीक है, वो लोग आज भी देख सकते हैं, नहीं किया था तो आज देख लें। मान लीजिए, माना किसी चालक की धारिता सी है, ठीक है, मान लीजिए किसी चालक की धारिता सी है और चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव वी हो जाता है, उसका विभव वी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए, देखो ये पॉजिटिव भी रहेगा, जैसे मान लीजिए हम कम भी आवेश दें तो चालक की धारिता सी ही रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी चालक की धारिता 2 माइक्रोफेरड है तो जब तक उसकी धारिता के अनुसार उस पर आवेश नहीं आ जाएगा तब तक उसको आवेश दे सकते हैं, लेकिन धारिता तो जैसे मान लीजिए ये चालक है, कहा जाए इसकी धारिता कि 1 माइक्रोफेरड है, 1 माइक्रोफेरड का मतलब 1×10^-6 और फेरड को हमने बताया था लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट। मतलब ये हुआ, यदि इस चालक को 1×10^-6 कूलाम का आवेश देंगे तो उसका विभव 1 वोल्ट परिवर्तित हो जाएगा, 1×10^-6 कूलाम प्रति वोल्ट, इतने कूलाम आवेश दे तो 1 वोल्ट का विभवांतर विभव बढ़ेगा। तो धारिता आपकी, अब जैसे मान लीजिए हमने आवेश पहले यहाँ पर कम दिया, जैसे मान लीजिए हमने पहले आवेश दिया 1×10^-7 कूलाम तो बहुत कम आवेश हो गया, धारिता तभी उसकी 1 माइक्रोफेरड और कब, जब आवेश उस पर इतना हो जाएगा तो उसका विभव इतना बट 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर इसको हम चालक को आवेश नहीं दे पाएंगे। ठीक, वो फिर दूसरी युक्ति बनाएंगे तब आवेश की मात्रा और उसको अधिक प्रदान कर सकते हैं। तो धारिता सी है, चालक को क्यू आवेश देने पर उसका विभव वी हो जाता है, तो वी इक्वल टू आप देख सकते हैं, या आपने पढ़ा था सी इक्वल टू क्यू अपान वी, धारिता का फार्मूला है। देखो, धारिता क्यू और वी पर निर्भर नहीं करती है। कल आपने किसी गोली चालक की धारिता निकाली थी 4πε0R, तो 4πε0R से धारिता निकली थी गोली चालक की, तो क्या इसमें क्यू का पद है या वी का पद है? नहीं, क्यू वी पर धारिता निर्भर नहीं करेगी। ठीक, क्योंकि ये किसी चालक के लिए कॉन्स्टेंट होता है। हाँ, फिर जैसे मान लीजिए आगे आप कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वहां धारिता हम कुछ विशेष कंडीशन में बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे इस पर निर्भर करेगी चालक का आकार कैसा है। ठीक, आकार पर निर्भर करेगी, जैसे 2 प्लेटें ले लेंगे तो वहां जो कैपेसिटर बनेगा तो दूरी पर भी निर्भर करेगी, इन बातों पर, इन पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक, तो सी इक्वल टू क्यू अपान वी, यहां से वी इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, वी इक्वल टू निकल आएगा क्यू अपान सी। ठीक है, अब हमने क्यू आवेश दिया, विभव वी हो गया। ठीक, अब आप सोचिए जरा, जैसे मान लीजिए हमने इसको प्लस क्यू आवेश प्रदान किया, ठीक, प्लस क्यू आवेश इसको दिया तो इसका विभव कितना हो गया, वी, इसको प्लस क्यू आवेश दिया होगा हमने, ठीक, और इसका विभव कितना हो गया, वी। तो ऐसी स्थिति है, सी बराबर क्यू अपान वी या वी बराबर क्यू अपान सी। अब हम क्या करें, चालक को और आवेश दें, चालक को सूक्ष्म आवेश मान लीजिए DQ दे दें। ठीक, तो चालक को सूक्ष्म आवेश जब DQ देंगे तो इस जब बहुत थोड़ा सा आवेश देंगे
तो इस आवेश को यहां तक लाने में थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इस डीक्यू आवेश को ये चालक प्रतिकर्षित करेगा। तो चालक को सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने में किया गया कार्य, ठीक। लिखेंगे यहां पे चालक को सूक्ष्म आवेश, सूक्ष्म आवेश क्या, सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने में किया गया कार्य। किसके द्वारा किया गया कार्य? बारकर्ता द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या आएगा? DW। अब फार्मूला क्या लगाए, देखो आप आवेश प्रदान करते हैं इसका विभव बढ़ता है। हमने इतना सूक्ष्म आवेश दिया कि उसके लिए विभव को लगभग वृद्धि जो है नगण्य मान लिया, कि सूक्ष्म आवेश डीक्यू देने पर चालक का विभव लगभग वी ही रहता है। तो आपने कार्य का सूत्र बढ़ाया इसे, देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या ऐसे पढ़ सकते हैं इसको कि पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है V=W/E। और ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि आवेश को अनंत से लाए, तो अनंत का विभव जीरो जीरो होता है, जो भी बढ़ेगा वो उस चालक का ही होगा। तो ये विभवांतर की परिभाषा या विभव की परिभाषा के अनुसार कार्य का फार्मूला बन जाता है W=VQ। अब अगर सूक्ष्म आवेश लाए, डीक्यू आवेश लाए, तो DW कार्य करना पड़ेगा, तो V=W क्या होगा? DW/DQ। तो यहां से DW=W क्या आ जाएगा? VdQ। इसीलिए हम कार्य का सूत्र लिख रहे हैं DW=VdQ, ठीक है। आप क्या करें, DW=V का मान कितना निकाला आपने? वी का मान निकाला है क्यू पान सी, और साथ में क्या है? DQ, ठीक। ये DQ आवेश दिया, आज जैसे हमने DQ आवेश दिया और DQ लेकर आए, इस प्रकार से हम बहुत सारा आवेश DQ लेकर आए, तो DW हर बार कार्य होता रहेगा। तो धीरे धीरे होगा क्या कि हमें कुल कार्य कैसे निकालेंगे? जोड़कर निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम कुल कार्य को जोड़कर निकालेंगे, तो इस प्रक्रिया में हमें निश्चित नहीं हो पाएगा कि हम कितना आवेश लेकर आए हैं या क्यू जो भी आवेश लेकर आए, जैसे इस पर क्यू आवेश आया तो उसको क्यू आवेश को कितने डीक्यू में विभाजित किया, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप क्या करेंगे, संपूर्ण कार्य के लिए इन दोनों पक्षों का ये इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो चालक को सूक्ष्म आवेश DQ देने में किया गया कार्य इतना है, तो संपूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहां पर करेंगे कुल कार्य, या देखो एक बार DQ को लाने में DW का, फिर DQ लेकर आए फिर DW का, फिर DQ लेकर आए फिर DW का, तो इस प्रकार हमें DW कई बार मिलते चले जाएंगे। संपूर्ण कार्य निकालना, दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो लिखेंगे संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करने पर DW इधर समाकलन करेंगे Q/C और ये क्या आ जाएगा? डी नारा। अब देखो इधर DW इसका समाकलन कर, देखो मान लीजिए प्रारंभ में चालक पर कोई आवेश नहीं था, तो जीरो आवेश था, तो जीरो आवेश था तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो कार्य कितना होगा? जीरो। बाद में हमने चालक को मान लीजिए टोटल आवेश क्यू प्रदान किया, तो चालक पर क्यू आवेश प्रदान करने में कार्य W करना पड़ा, तो कार्य की लिमिट हो गई 0 से W और आवेश की लिमिट हो गई 0 से Q। अगर आप यहां पर लिमिट ना भी लें तब भी काम चलेगा, ठीक। क्या आएगा इसके बाद? इसके बाद ध्यान दीजिए क्या आएगा, जब हम DW का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो W मिल जाएगा, ठीक। DW का करेंगे केवल W मिल जाएगा, कैसे? इसका यहाँ पर वन मान लेंगे, W होगा, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W-0 आएगा, अर्थात W मिल जाएगा। इधर चले, इधर 1/5 बाहर हो जाएगा, क्यू का समाकलन कर देंगे, तो आपने समाकलन पढ़ा होगा कि एक्स का समाकलन होता है x²/2, यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 से Q। आप लिमिट जब इसको लगाएंगे तो अपर लिमिट k²/2 - 0²/2, तो q²/2 ही रहेगा, तो ये कार्य हो जाएगा q²/2C या ½q²/C, ठीक। यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, या हम लिख देंगे यही कार्य चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
पूजा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए यूजफुल क्या रहेगा, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब ये आपका जो फार्मूला है क्यू और सी के पदों में है, ठीक। और आपने कल राधिका की डिक्लेरेशन में पढ़ा था सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ठीक। यहां से क्यू बराबर सी भी आ सकता है या बी बराबर क्या आ सकता है, क्यू अपॉन सी। ये बातें हो सकती हैं। तो इस फार्मूले को आप ये क्यू एंड सी के टर्म में है, इसको हम सी और बी के टर्म में भी ला सकते हैं, ठीक। इसको हम वी और क्यू के टर्म में भी ला सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जब क्यू बराबर सी भी रख दें, अगर हम क्यू बराबर क्या रख दें सी, तो सी और बी के बदलों में आ जाएगा। तो क्या आएगा, तो यू बराबर आ जाएगा हाफ सी वी का वर्ग अपान में सी। तो यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ एक सी से सी कट जाएगा सी वी, ठीक। एक ये फार्मूला मेन हो जाएगा आपका। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़े, एक आपका क्यू सी के पदों में, दूसरा सी और वी के पदों में, तीसरा बचा वी और क्यू के पदों में। तो देखिए कैसे लाएंगे, जब सी सी इक्वल टू क्या रख दें क्यू अपान वी, यहां पर सी इक्वल टू क्यू अपान क्या रख दें वी, धारिता का मान ये रख दें। अगर धारिता का मान ये रख देंगे तो यू इक्वल टू आ जाएगा हाफ सी इक्वल टू है क्यू अपान वी और ये वी स्क्वायर, तो एक वी कट जाएगा तो बच जाएगा हाफ वी क्यू, ठीक है। तो किसी आवेश चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान, चाहे आप यू इक्वल टू हाफ वी क्यू रखें, चाहे यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर रखें, चाहे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी रखें, तीनों सूत्र सही होते हैं। जिसके पदों में पूछा जाए उसके पदों में फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक। और देखिये यहां पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चालक की धारिता दी होगी, चालक का विभव दिया होगा, तो स्थिर ऊर्जा पूछेगा। या ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जाए कि चालक की धारिता निश्चित दी है और विभव बढ़ाने को कह दिया जाए कि विभव हमारा 10 वोल्ट से 20 वोल्ट किया गया या 20 वोल्ट से 40 वोल्ट किया गया, तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा के मान में कितना परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन निकालने के लिए जब विभव आपका 10 वोल्ट दिया हो तो ऊर्जा निकाल लें, और जब वो 20 वोल्ट हो जाए तब ऊर्जा निकाल लें, ठीक है। और क्या कर दें, इन दोनों का डिफरेंस कर दें, जैसी वृद्धि हो रही होगी तो वृद्धि निकल आएगी, कमी हो रही होगी तो कमी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। और ये फार्मूला जो आप पढ़ रहे हैं या ये धारिता के फार्मूले पढ़ रहे हैं, ये किसी कंडक्टर के लिए ही नहीं बल्कि कैपेसिटर के लिए, जो आप अगली युक्ति पढ़ने वाले हैं संधारित्र, ठीक है, संधारित्र के लिए भी ये बिल्कुल सही होगा। संधारित्र के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। ये फार्मूले संधारित्र में भी ड्राइव होंगे, ठीक। वहां पर भी आप किसी चालक किसी संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तभी सूत्र यही निकल कर आएगा, धारिता का सूत्र यही निकलेगा, ठीक। लेकिन वहां पर संधारित्रों के सेप जो होते हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए जैसा संधारित्र होगा उसी प्रकार से धारिता निकलेगी, ठीक। तो इस टॉपिक के बाद आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर संधारित्र, ठीक है। संधारित्र देखिए, ध्यान दीजिए, संधारित्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, संधारित्र की धारिता क्या है, संधारित्र पर हम किस प्रकार से अधिक आवेश संचित कर सकते हैं, ठीक, वो आप इससे जानेंगे। देखिए कैपेसिटर, तो जरूरत यह पड़ती है कैपेसिटर की जरूरत क्यों है ना, आवश्यकता ये बतानी है हमें कि कैपेसिटर क्यों आवश्यक है, क्यों हमने चालक से काम नहीं चलाया। चालक भी कैपेसिटर ही है, क्योंकि चालक पर भी हम आवेश को संचित कर सकते हैं। देखिए जरूरत क्यों पड़ी संधारित्र की, कैपेसिटर ध्यान देना। देखिए जो हमारा चालक होता है, चालक की धारिता का मान है 4π ε0 r। चालक की धारिता का सूत्र ये है, कोई हमारा अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो सी इक्वल टू 4π ε0 r होती है, ठीक। अब यदि हम कह दें कि 1 मीटर त्रिज्या का हमारे पास चालक है तो r इक्वल टू 1 मीटर, तो इसकी धारिता क्या निकलेगी, तो आपने कैलकुलेट की थी
इसका मान 1/9 × 10^9 और r का मान कितना है, r का मान 1 है, इसको हल कर दें तो 1.1 × 10^-10 फैरड या फैरड इसको लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट। तो ध्यान देना कि हमारे पास जो गोली चालक 1 मीटर त्रिज्या का है उसकी धारिता C=1.1 × 10^-10 कूलाम प्रति वोल्ट है, ठीक। इसका मतलब है कि इस गोली चालक पर जब हम 1.1 × 10^-10 कूलाम आवेश देंगे या रखेंगे तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। अब आप सोचिए जरा कि विभव में 50 वोल्ट करना है तो इसका 50 गुना आवेश दे देंगे, ठीक। विभव में 100 वोल्ट करना है इसका 100 गुना आवेश दे देंगे, और विभव में यदि मान लीजिए 200-250 वोल्ट करना है तो इसका 150 गुना आवेश दे देंगे, ठीक। अब अगर मान लीजिए 200 गुना या 250 गुना या 1000 गुना आवेश कर दे, मान लीजिए 1000 वोल्ट विभव बढ़ाना है, तब भी आवेश कितना रहेगा, 10^-7 कूलाम आवेश, ठीक। और 10^-7 कूलाम मतलब इतना कम आवेश और विभव कितना बढ़ जाएगा, 10,000 वोल्ट, कितना, 1000 वोल्ट के आसपास, और आवेश हमने कम से कम संचित कर पाया है और विभव हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक। जब आवेश जैसे मान लीजिए इसको 10^-7 करना है तो 1000 वोल्ट विभवांतर बढ़ जाएगा, ठीक। अब इतना ज्यादा विभवांतर इतने कम आवेश से बढ़ जाता है तो हम आवेश को और ज्यादा कहां एकत्रित कर सकते हैं, अगर हम आवेश को एकत्रित करेंगे कि 2 कूलाम आवेश एकत्रित कर रहे हैं तो 1 मीटर त्रिज्या का चालक लोगे और इसमें 2 कूलाम आवेश इकट्ठा करोगे ना तो C=, देख लीजिए C=, होता है Q/V, ठीक है। और यही चालक मान लीजिए 1 मीटर त्रिज्या का तो C का मान 1.1 × 10^-10 और Q हमें मान लीजिए 1 कूलाम करना हो अपान में भी तो V=, कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये लगभग हो जाएगा 9×10^10 इतने, ठीक है, या कितना आ जाएगा, इसको सही कर लेते हैं 0.9 या 9×10^9 ये 9 आ जाएगा। मतलब 1 कूलाम आवेश जब आएगा इस चालक पर तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक। आवेश तो बहुत ही कम आया और विभव के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई, ठीक, आवेश बहुत कम रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चालक पर हम एक सीमित मात्रा तक ही आवेश ले जा सकते हैं। और ये भी देख रहे हैं 1 मीटर त्रिज्या का चालक है, अब 1 मीटर आप रेडियस भी देख सकते हैं कितनी बड़ी होगी, जब 1 मीटर रेडियस होगी तो हमारे चालक का आकार बहुत ज्यादा होगा, ठीक। तो इसीलिए अब 1 मीटर त्रिज्या का चालक, ऐसा चालक हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में नहीं लगा सकते, इतना बड़ा चालक कैसे लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटी सी है चालक इतना बड़ा लगाए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास फैन लगा है ये और इसमें हमें जरूरत है आवेश इकट्ठा करने की युक्ति, पता चला इतना आवेश 1 वोल्ट पर इकट्ठा करेगा और युक्ति लगा इतनी भारी, ठीक, इसका मतलब सेफ से भी गड़बड़ होगा और दूसरा कि ये आवेश भी कम संचित कर पाएगा। चलो इसको छोड़ते हैं, एक तो कारण ये हुआ कि हमें कोई ऐसी युक्ति चुननी है जिसका सेफ भी कम हो, आकार भी कम हो और ज्यादा से ज्यादा आवेश संचित कर सके, ठीक। दूसरी ये बात होती है कि जब हम किसी चालक को आवेश प्रदान करते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, ठीक, जब हम किसी चालक को आवेश प्रदान करते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम चालक को लगातार आवेश देते जाएं तो एक अवस्था ऐसी आती है जब उसकी धारिता से ज्यादा आवेश उस पर जाने लगेगा तो आवेश का वायु में लीकेज होने लगेगा, आवेश का वायु में क्षरण होने लगेगा। क्षरण का मतलब भी आप समझ लीजिए कि जब इस पर बहुत ज्यादा आवेश हो जाएगा तो इसके आसपास की, जैसे ये वायु का अणु है, ये सब वायु के अणु है आसपास इसके, तो इसके आसपास की वायु जो है ध्रुवित हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी, और चूंकि इसको धनावेश प्रदान कर रहे हैं तो वायु के अणुओं का ऋणावेश जो होगा इधर आ जाएगा, धनावेश की ओर होगा, ऋणावेश इस तरह से, धनावेश इस तरह से, धनावेश ऋणावेश धनावेश, तो ये जो पास वाला ऋणावेश है ये चालक के धनावेश को क्या करने लगेगा, नष्ट करने लगेगा या चालक के धनावेश को समाप्त करने लगेगा, ठीक। तो यही आवेश का वायु में लीकेज है, वायु आयनित हो जाएगी, आवेश का वायु में क्षरण होने लगेगा, ठीक। तो ये भी कंडीशन रहती है कि हम इसी कारण इसको चालक पर और अधिक आवेश नहीं संचित कर सकते, एक सीमा तक आवेश संचित कर सकते हैं, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है संधारित्र। अच्छा एक और बात आपको बता दें
अगर हमें चालक पर ज्यादा आवेश संचित करना है तो एक हम रेडियस उसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेडियस बढ़ाने से क्या फायदा कि हमने आर एक मीटर त्रिज्या जब ली तब तो इतना कम आवेश, ठीक रेडियस बढ़ा दे थोड़ा आवेश बढ़ जाएगा तब तो चालक का आकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक ऐसी युक्ति बनानी है जिसमें आकार भी ना बदले, ठीक है, आकार भी नहीं बदलना चाहिए और आवेश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा उस पर संचित हो जाए, ठीक। तो वो युक्ति आपकी क्या है, संधारित्र। इसका मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले आवेश की ज्यादा से ज्यादा मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब चालक का हमें आकार नहीं बदलना है और आवेश फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा एकत्रित कर लें, ठीक। तो वो युक्ति आपकी क्या है, संधारित्र है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ठीक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार को बिना बदले ही आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, आकार में परिवर्तन ना करें फिर भी अधिक से अधिक आवेश संचित हो जाए, तो ऐसी युक्ति होगी वो आपकी है संधारित्र, ठीक। टाइप्स आप कैपेसिटर पढ़ते हैं संधारित्रों के प्रकार, तो आपके कोर्स में संधारित्रों के प्रकार कई हैं, ठीक। वैसे संधारित्र बेलनाकार होता है, संधारित्र गोलाकार होता है, ठीक, और संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, वैद्युत अवकट्य संधारित्र। लेकिन सबसे आप मेन टॉपिक इसमें पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक। तो उसको थोड़ा पढ़ने से पहले ये आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें हम ये आपको बता देते हैं कि संधारित्र पर अधिक से अधिक आवेश किस प्रकार संचित किया जा सकता है। केवल इतना जानना है कि संधारित्र का सिद्धांत भी होगा कि संधारित्र पर हम ज्यादा से ज्यादा आवेश कैसे ला सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं संधारित्र का सिद्धांत, ठीक, समझ लीजिए, लिखने वाला नहीं है। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक, कि किस प्रकार से हम किसी संधारित्र पर अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए संधारित्र के सिद्धांत में हमारे पास मान लीजिए कोई चालक है, एक हमारे पास किसी भी प्रकार का चालक है, आगे इन चालकों का एक विशेष नाम हो जाएगा, ये हमारे पास चालक है। इस चालक को हम पूर्ण रूप से क्या कर दें, धनावेशित कर दें, इसको धनावेशित कर दिया, इसको आवेश मान लीजिए निश्चित मात्रा में प्रदान किया और ये धनावेशित कर दिया, ठीक। और ये भी जानते हैं कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही आवेश ले पाएगा, इससे ज्यादा आवेश नहीं ले पाएगा। लेकिन हमें करना क्या है कि इस पर आवेश की और मात्रा लानी तो क्या करेगा, मतलब इतना आवेश हो गया इसकी जितनी कैपेसिटी उतना आवेश हो गया, ठीक, इस पर आवेश की मात्रा बढ़ानी है ना, इसका आकार बदलना ऐसे रखना है, आवेश और ज्यादा लाना है, तो क्या करें। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए आपने संधारित्र की धारिता का ये या किसी चालक की धारिता का सूत्र पढ़ा है C=Q/V, ठीक। अगर हम ऐसा करें जैसे Q को बढ़ाएं, किसी चालक पर आवेश बढ़ा लें तो धारिता बढ़ जाएगी, और किसी चालक का अगर विभव घटा लें तब भी धारिता बढ़नी चाहिए, ठीक। विभव का मान जितना कम से कम कर पाए धारिता उतनी अधिक से अधिक हो जाएगी। तो कुछ ऐसा कर दें कि इसका विभव कम हो जाए, यदि इसका विभव कम हो जाए तो इस पर आवेश ज्यादा आ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, आवेश ज्यादा ले आएगी। देखो हमें बढ़ानी है धारिता के लिए, ठीक, मतलब आवेश की ज्यादा मात्रा लानी है। और देखिए ये भी समझ लीजिए, यहां पर हमने लिखा है आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। जब आवेश संचित किया जा सकता है तो उस पर ऊर्जा भी तो संचित होगी, कैसे,
क्योंकि ऊर्जा का सूत्र हाफ क्यू स्क्वायर फॉर्म क्या है सी। जब आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित कर लोगे तो ऊर्जा संचय भी किया जा सकता है। तो इसलिए कहीं पर अगर पूछता है संधारित्र का यूज क्या है, तो संधारित्र का यूज यही है कि संधारित्र पर हम आवेश ऊर्जा का संचय कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो यहां पर हमें विभव घटाना है, कुछ भी करे विभव घट जाए। तो सबसे पहले क्या किया कि ये हमारे पास एक आवेशित चालक था ये वाला, इसके समीप एक अनावेशित चालक रख दिया। ये कैसा चालक है? आवेशित। देखो इसको धनावेश देने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इससे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे उतने ज्यादा धनावेश आ जाएगा। तो ये आवेशित है और ये आपका चालक कैसा था? अनावेशित। और इसको हमने इसके समीप रख दिया। ठीक, जैसे ही इसके समीप रखा तो ये चालक धनावेशित है, तो इस चालक के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच लेगा। ठीक, क्योंकि ये धनावेशित चालक है, इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर आकर्षण बल लगाएगा, इसको अपनी ओर खींच लेगा। और जब इधर के इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएंगे तो इस दूसरी ओर इस पर धनावेश की अधिकता हो जाएगी। ठीक, ये घटना कहलाती स्थिर विद्युत प्रेरण। प्रेरण के कारण आवेश आता है। जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रखते हैं तो अनावेशित चालक के पृष्ठों पर आवेशों की विपरीत ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशित वस्तु हो जाती है। क्यों हो जाती है आप देख सकते हैं, क्योंकि यह धनावेशित है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इसका धनावेश बदल जाएगा, धनावेश आ नहीं पाएगा, क्योंकि धनावेश जो होता है वो रासायनिक बंधन से बंधा होता है। ठीक, धनावेश चलता नहीं है किसी पदार्थ में, चलने वाले आवेश कौन होता है? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अब देखो जो इसका ऋणावेशित पृष्ठ है ये क्या करता है, इसके विभव को कम करता है। वैसे धनावेशित पृष्ठ भी है तो ये इसके विभव को बढ़ाएगा। ठीक, देखो धनावेश ऋणावेश अपेक्षाकृत कम दूरी पर है तो पहले चालक के विभव के मान में कमी हो जाएगी। अब ये ऋणावेश इसके विभव को कम करेगा और ये धनावेश बढ़ाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसने 10 वोल्ट कम किया ऋणावेश पृष्ठ ने, और धनावेशित पृष्ठ ने 5 वोल्ट बढ़ाया, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, दूरी ज्यादा है तो कम बढ़ा पाएगा और ये घटा ज्यादा पाएगा, तो नेट क्या होगा? घट जाएगा। भाई ये पृष्ठ विभव को ज्यादा कम करेगा और ये कम बढ़ाएगा तो नेट को कमी हो जाएगी, तो इसका विभव नेट विभव कम हो जाएगा। और नेट विभव अगर इसका कम हो गया तो क्या होगा? इसकी धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन V, विभव कम हो जाएगा पहले चालक का तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ जाएगी तो इस पर आवेश की हम और अधिक मात्रा संचित कर लेंगे। पहला सिस्टम यही है कि किसी आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित चालक, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना होगी, एक पृष्ठ ऋणावेशित हो जाएगा, एक धनावेशित हो जाएगा। ऋणावेशित पृष्ठ इसके विभव को कम करेगा, धनावेशित पृष्ठ इसको बढ़ाएगा, लेकिन ऋणावेश कम दूरी पर है इसलिए कमी ज्यादा करेगा लेकिन ये बढ़ाएगा कम, तो नेट कमी हो जाएगी इसके विभव में, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ गई, आवेश और ज्यादा संचित कर रही है। पहला यही इसका तरीका है कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इस पर ज्यादा आवेश ला सकते हैं। क्या हमने चालक के आकार को बदला? नहीं बदला। ठीक, क्या इसके इनके बीच माध्यम में कोई परिवर्तन किया? भी नहीं किया, लेकिन फिर भी हम आवेश इस पर ज्यादा ला सकते हैं। दूसरी बार में क्या करते हैं? दूसरी बार में जो दूसरा चालक था इसका धनावेशित पृष्ठ पृथ्वी से जोड़ दिया। देखिए धनावेशित पृष्ठ किससे संबद्ध कर दिया? पृथ्वी से। ठीक, इसका धनावेशित पृष्ठ पृथ्वी से जोड़ दिया। इसका धनावेशित पृष्ठ पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके धनावेश को समाप्त कर देंगे, या उल्टा बोल दो कि इस चालक का धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक, और इसका धनावेश पृथ्वी में चला गया तो हमने बताया धनावेश तो चलते ही नहीं, चलते कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसको उदासीन कर देंगे। ठीक, लेकिन कह ये भी देते धनावेश पृथ्वी में चला गया, क्योंकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इसको उदासीन कर दिए। अब जब ये धनावेश समाप्त हो गया ना तो ये कुछ विभव बढ़ा रहा था। ठीक, ये बढ़ा रहा था, अब ये धनावेश समाप्त हो गया तो क्या होगा? ये धनावेश जब समाप्त हो जाएगा
तो इसके विभव के मामले में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये 5 वोल्ट बढ़ा रहा था और ये जब धनावेश समाप्त हो गया तो इसका विभव 5 वोल्ट और कम हो गया। ठीक, 5 वोल्ट विभव और कम हो गया तो इसकी धारिता और ज्यादा बढ़ गई, इसका विभव घटा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धनावेश इसका समाप्त हो गया, धनावेश समाप्त होने से इसका विभव जो है कम हो गया, कम होने से धारिता बढ़ गई, आवेश और ज्यादा संचित कर लिया। ठीक, दूसरा तरीका ये। तीसरे तरीके में क्या करते हैं, तीसरा भी ध्यान दीजिए, तीसरी बार में हम क्या करेंगे, इन दोनों चालकों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे, कोई परावैद्युत रख देंगे। और आपको पढ़ाया था परावैद्युत जो होता है, देखिए ये धनावेश पृष्ठ, ये ऋणावेश बचा, तो इनके बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। और जैसे ही इनके बीच में एक हम परावैद्युत रखेंगे तो परावैद्युत पोलराइज होगा, परावैद्युत ध्रुवित हो जाएगा। और बताया था कि परावैद्युत का एक सिरा ऋणावेशित हो जाएगा जो धनावेश के समीप है, और दूसरा सिरा धनावेशित हो जाएगा जो ऋणावेश के समीप है। अब आप देखिए, इसको छोड़िए क्योंकि ये कब पढ़ा पाएगा, लेकिन ये परावैद्युत का जो ये सिरा है ये इस चालक के ज्यादा निकट होगा तो इसका विभव और कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार कई तरीकों से इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं, इस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश ला सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमने किसी आकार के चालक लिए थे, ठीक, अब यहां पर हम एक विशेष आकार के चालक लेंगे, जैसे मान लो एक ये समान प्लेट ले ली और एक ये प्लेट नुमा चालक ले लिया, तो दो प्लेटें बन गई, तो पहले चालक पहली प्लेट, दूसरा चालक दूसरी प्लेट, तो ये चालक बन जाते हैं संधारित्र की प्लेटें। ठीक, और प्लेटें कई प्रकार की हो सकती हैं, समांतर प्लेटें हो सकती हैं, ठीक, गोली प्लेटें हो सकती हैं, बेलनाकार प्लेटें हो सकती हैं। तो संधारित्र में हमारे पास दो प्लेटें रहेंगी, ठीक, कोई भी विशेष आकार हो, दोनों प्लेटों में से एक प्लेट धनावेशित होगी, एक प्लेट ऋणावेशित होगी। ठीक, और ऋणावेशित प्लेट का दूसरा जो सिरा होगा वो पृथ्वी से कनेक्ट होगा, तब हमारा बनकर तैयार होगा एक संधारित्र। तो संधारित्र में क्या बात आई कि संधारित्र में समान आकार की, आकार यदि समान ले लें, समान आकार की दो प्लेटें होती हैं जिनमें से एक प्लेट धनावेशित और एक प्लेट ऋणावेशित होती है, लेकिन दोनों पर आवेश समान मात्रा में होता है। ये जिस पर प्लस की आवेश है तो इस पर माइनस की आवेश होगा। ठीक, और जो ऋणावेशित प्लेट है इसका एक सिरा दूसरा पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा होगा। ठीक, पृथ्वी से अगर नहीं जुड़ेंगे तो धारिता इसकी कम हो जाएगी, यंग की धारिता, और इनके बीच में कोई परावैद्युत भी भर सकते हैं। ठीक, धारिता बढ़ाने के, धारिता बढ़ा, इसका मतलब धारिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कोई परावैद्युत अगर रख दें तब भी हमारी धारिता जो है इंक्रीज हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहां पर आ जाता है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता जिस प्रकार से आपने किसी चालक की धारिता को डिफाइन किया था उसी प्रकार से हमें डिफाइन करना है संधारित्र की धारिता। ठीक, और देखिए जो यहां पर लिखा था पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, और यहां पर आगे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं कि इसका उपयोग आवेश तथा ऊर्जा का संचय करने में किया जाता है, आवेश तथा ऊर्जा का संचय करने में किया जाता है। इसके बाद आपकी रहेगी संधारित्र की धारिता। तो हमने बताया था संधारित्र में दो प्लेटें हैं, ठीक, दो प्लेटों में एक प्लेट हमारी क्या होगी, धनावेशित होगी, और एक प्लेट ऋणावेशित। ठीक, इसका भी नाम होगा, अगर ये एक प्लेट धनावेशित है और एक प्लेट ऋणावेशित है और समांतर रखी है तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है, और इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर है बी। ठीक, तो इसकी जो धारिता होगी वो सी इक्वल टू होती है क्यू अपान वी। ठीक, संधारित्र की धारिता सी इक्वल टू क्या है, क्यू अपान वी। क्यू क्या है, ये सिरा में बताया था किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, इसका नाम भी आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू आवेश, पर माइनस क्यू आवेश, प्लेटों के बीच विभवांतर वी, धनात्मक प्लेट है ना तो विभवांतर ये हो जाएगा वी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच प्लस से माइनस क्यू हो जाएगा,
संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होती है Q अपॉन V। Q क्या है? किसी प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण, और V क्या है? प्लेटों के बीच का विभवांतर। ये C क्या है? संधारित्र की धारिता। तो किसी संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा? C इक्वल टू Q अपॉन V। हमने बताया था फार्मूला वही है। डिफाइन कैसे करेंगे? किसी संधारित्र की धारिता उसकी किसी प्लेट पर उपस्थित आवेश के परिमाण और प्लेटों के बीच विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। और यदि वी को एक कर ले तो सी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता उस आवेश के इक्वल होती है जो उसकी प्लेटों को प्रदान करने पर प्लेटों के बीच एक वोल्ट विभवांतर उत्पन्न कर दे। मतलब यदि प्लेटों के बीच क्यू आवेश देने पर एक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो ये क्यू जो होगा वो सी के बराबर ही होगा, ठीक। तो कल आपको यहीं से लेकर चलेंगे संधारित्र की धारिता, और फिर आप संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालेंगे, जो भी विभिन्न संधारित्र पढ़ेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा।